नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म निकम्मा मूवी के 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, एवं हम आपको बताएंगे कि ये फिल्म अपने 4th दिन कितने लाख रुपए कमा सकती है और साथ ही साथ में फिल्म का बस कैसा बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की तरफ। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, फिल्म निकम्मा जिसके अंदर आपको स्टाइलिश एक्टर अभिमन्यु काम करते हुए नजर आते हैं, उनका साथ देती है शिल्पा शेट्टी और फिल्म में करना आपको काफी ज्यादा मजा आता है। जब हमने ऑडियंस से फिल्म के पब्लिक रिव्यू लिए तो ऑडियंस का कहना था कि फिल्म अच्छी भी है और ना अच्छी भी है। फिल्म में करना और अच्छी कॉमेडी डाली जा सकती थी, फिल्म को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था, बाकी दोस्तों फिल्म को इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं बनाया गया जिसके चलते ऑडियंस को फिल्म पसंद नहीं आई और फिल्म के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के रिव्यू निकल के आए हैं, यानी कि लोगों को फिल्म पसंद आई भी है और ना पसंद भी आई है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि निकम्मा मूवी को ऑडियंस की तरफ से कितना स्टार रेटिंग देखने के लिए मिली, तो आपको बता दें कि निकम्मा मूवी को ऑडियंस की तरफ से स्टार की रेटिंग देखने के लिए मिली है 2 out of 8 stars की। साथ ही साथ फिल्म ने अपने पहले दिन का कारोबार कर लिया था 51 lakh rupees का और दोस्तों फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन आया था 46 lakhs यानी कि 46 lakh rupees का। अगर हम बात करें फिल्म के तीसरे दिन के प्रेडिक्शन की तो दोस्तों यह फिल्म संडे को कारोबार करते हुए नजर आ रही है लगभग 80 lakh rupees का और दोस्तों यह फिल्म अपने 4th दिन यानी कि सोमवार को कमा सकती है लगभग 20 lakh rupees जिसके चलते इस फिल्म का 4 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन 1,97 lakh rupees आ रहा है। तो दोस्तों आपकी ओपिनियन क्या है, अगर आप फिल्म निकम्मा मूवी को देख के आ चुके हैं तो आपको फिल्म अच्छी लगी या फिर बुरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।